कोई नहीं दीदी, आया मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भोलेनाथ की जय हो। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग पे आपका सभी का। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अपना सुबह के 8:45 में। तो गाइज, आज हमारे किराएदार जो हैं कांगड़ा से, वो वापस जा रहे हैं 8 साल के बाद अपने घर। तो उन्होंने बोला था कि रक्षु, जब आप आओगे कांगड़ा में, हम आपको घुमाएंगे। तो आज उनको अलविदा करना है। और हमारे मोहल्ले में जगराता भी है, तो वहाँ पे भी जाने पड़ेगा हमें। वहाँ पे भी थोड़ा काम कुम करने पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बबली भी यारा भी उठ गई है, सारे उठ गए हैं। और अत्तू शादी में जा रहा है। अत्तू कब आना है शाम को? अच्छा, 5 बजे। तो जल्दी आ जाना, थोड़ा मोहल्ले में फंक्शन है, तो तेरी जरूरत बढ़ जाएगी ना। तो आज मौसम कितना चाहिए? ओए अक्षु भैया, तू जा रहा है? तू कहाँ पे जा रही है अक्षु भैया के साथ? है तू? तूने भी चल जाना है अक्षु भैया के साथ? चल जाना तूने भी? तो लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हैं बाकी के लोग, लास्ट टाइम तो यहाँ पे हैं। चलो भाई। हाँ जी अक्षित भाई, अच्छे बेटे दीदी भाई भाई, आज भी जा रही है? भाई तुझे छटिया ना मम्मी फिर। कोई नहीं दीदी, आया मैं। गुरुजी भी यारा सारे चल गए हैं। अब हम बचे अब थोड़े से लोग, मैं और राजू, मम्मी डैडी पापा और बबली। बबली भी चल जाएगी अपने घर कल, तो कल बचेंगे हम 3-4 लोग बचेंगे। देखो पूरा घर खाली लग रहा है, मेरी साइड का तो पूरा खाली लग रहा है। अब तो थोड़ी देर बाद जगराते वाले घर भी जाना है। तो अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं की हुई है, टाइम इस टाइम हो चुका है, 11:30 हो चुके हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं। रक्षु भैया गुड आफ्टरनून, ये लो खाना खा लो। दाल चावल, माचें की दाल और चावल। अच्छा, ये बारिश से रुकी? अभी नहीं रुकी, अभी बारिश है। इसके ऊपर मक्खी बैठ रही है, तो मैंने कंबल रखा है इसके ऊपर। मक्खी मक्खी जो भी है, आप देखोगे तो डरोगे, मतलब कि भाई सच्चा है। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये देखो, ये वाले डेंजर वाले हैं पूरा सिस्टम। गाइस तो बबली खाना लेके आई थी मुझे, तो आज माँ चने की दाल बना ली है, चने की दाल। तो बाहर बारिश नहीं लगी हुई कि मैंने जाना था फंक्शन वाले के
जगह तो वो लोग घर अपने मोहल्ले में, तो क्या बोलते हैं मेरे पाँव में, मैंने बोला कि पाँव में बोले कि दिक्कत ना हो जाएगी, तो उसके चक्कर में नहीं गया। फिर तो मैंने सोचा थोड़ा पहले खाना खुना खा लेते हैं फिर चलते हैं। मौसम साफ हो चुका था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने बोला जाना भी ज़रूरी है वहाँ पे, तो चलते हैं आस्ते आस्ते वहाँ पे, देखते हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जगराता तो मतलब कि 8 बजे शुरू हुआ रात को। फंक्शन है जगराता है, तो पहले यहाँ का व्यू देखो यार, यहाँ से जो नागमंदिर का व्यू दिख रहा है ना वो वाला दिखाओ, यहाँ से ये वाला नहीं है सामने, ये वाला व्यू दिखाइए। फिर यहाँ पे मंदिर भी है यार, नाग देवता का मंदिर जो लॉकडाउन में बनाया था, ये देखो। चले पहले अंदर आओ दर्शन। ये नाग देवता का मंदिर है ये वाला जो लॉकडाउन में पहले बताया मैंने आपको। तो आज की धाम यहाँ पे तैयार करेंगे, बारिश के कारण वहाँ पे नहीं लगाई, तो फिर यहाँ पे लगाई धाम आज की। यहाँ पे बैठे हुए हैं सोनू भाई वगैरह, यहाँ पे धाम तैयार हो रही है। वो हर का व्यू देखो आप, अल्टीमेट है भाई, वो है सामने घर इनका, गेस्ट भी आ रहे हैं इनके। टाइम हो चुके हैं 5:30 बज चुके हैं, तो बाहर का देखो यहाँ का कितना मस्त है भाई। अर्शु आए कर दो, अर्शु आए, वो अक्षु फोटो शूट कर रहा है कैमरे के साथ। और यहाँ पे हमारे भिंडो भाई आ चुके हैं पूरी फॉर्म पे। कैसे हो भाई? बढ़िया, ठीक हो? बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? ये आगे को चल जाता है अपना शरमरी गांव है आगे, तो आ गया सामान हमारा, सिल्ला भाई वगैरह लेके आए, गद्दे वगैरह, तो ये जगराते के लिए चाहिए नीचे बिछाने के लिए। तो सिल्ला भाई क्या हाल चाल? बढ़िया ना भाई? हाँ जी, शिवाय वो पहले बोलता मेरी बहन है, फिर बोलता मेरी क्रश है, उसको तो मैं नहीं तेरे कहीं उड़ाई यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो हमारे आज की जगराते के मास्टर सलीम है हमारे, वो ये वाले हैं भाई। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो सो कुड़े
बजाओ बाजा जारन बोल देता मैं।